इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का एक्सीडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि मैसूर के पास दुर्घटना हुई। प्रहलाद मोदी अपने परिवार के साथ बांदीपुर से मैसूर जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले, हादसे के वक्त प्रहलाद मोदी और उनके परिवार के सदस्य कार में मौजूद थे। हालांकि राहत की बात ये है कि सभी को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और इलाज के लिए उन्हें मैसूर के अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुलिस ने भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है और बताया है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। जितने भी लोग गाड़ी में मौजूद थे वो सब सकुशल हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भी इस खबर की पुष्टि की है और बताया है कि प्रहलाद मोदी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पोते के साथ मर्सिडीज बेंज कार में बांदीपुरा जा रहे थे, तभी दोपहर करीब 2 बजे डिवाइडर से उनकी गाड़ी जा टकराई। गाड़ी को तो भारी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यही रही कि सब बच गए, सकुशल हैं, कोई नुकसान नहीं, जान की कोई हानि नहीं, कोई गंभीर चोट नहीं, राहत की बात यही रही। हालांकि गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। बताते चले आपको, ट्विटर पर कई सारी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। गाड़ी के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, वाहन को बुलडोजर से ले जाया गया। पीटीआई के सूत्रों ने बताया है कि मैसूर की पुलिस अधीक्षक सीमा लटकर ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा भी किया है। बताते चले आपको, दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी पत्नी हीराबेन के 6 बच्चे थे, जिनमें से 4थे नंबर के प्रहलाद मोदी हैं। वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। बहरहाल, जो भी अपडेट इस मामले पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।